श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन अध्याय 17 भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि से सलाह पाने के बाद अदिति ने बिना काहिली किए उनके निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया और पयोव्रत नामक अनुष्ठान क्रिया का समापन किया। अदिति ने पूरी तरह से एकाग्र और अविचलित ध्यान से भगवान का चिंतन किया। ऐसा करने से उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों की तरह अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर केंद्रित किया और इस तरह पयोव्रत नामक अनुष्ठान को पूरा किया। हे राजा, तब आदि भगवान पीले वस्त्र पहने तथा अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए अदिति के सामने प्रकट हुए। जब आदिति के नेत्रों से भगवान स्वयं प्रकट हुए तो वे दिव्य आनंद से इस कदर अभिभूत हो गईं कि वो तुरंत ही उठ खड़ी हुईं और फिर प्रभु को सादर प्रणाम करने के लिए एक छड़ी की तरह भूमि पर गिर पड़ीं। अदिति हाथ जोड़े चुपचाप खड़ी रहीं और प्रभु की प्रार्थना में असमर्थ रहीं। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी देह के रोंगटे खड़े हो गए। चूंकि वे परमेश्वर को अपने सामने देख रही थीं, इसलिए उन्हें आनंद का अनुभव हुआ और उनका शरीर कांपने लगा। हे महाराज परीक्षित, देवी अदिति ने भयभीत वाणी और अपार प्रेम से सर्वोच्च देवता की स्तुति की। ऐसा लग रहा था मानो वह देवी लक्ष्मी के पति, सभी यज्ञों के उपभोक्ता और पूरे ब्रह्मांड के महान स्वामी और भगवान को अपनी आंखों से निहार रही हैं। देवी अदिति ने कहा, हे समस्त यज्ञों के भोक्ता और स्वामी, हे अच्युत और परम प्रसिद्ध पुरुष, जिनका नाम लेते ही मंगल का प्रसार होता है, हे आदि भगवान, परम नियंता और समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, आप समस्त दीन दुखियों के आश्रय हैं और आप उनके दुख को कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। कृपया हम पर कृपालु हों और हमारे कल्याण का विस्तार करें। हे भगवान, आप इस विश्व में व्याप्त सर्वव्यापी रूप हैं। आप इस ब्रह्मांड के पूर्ण रूप से स्वतंत्र निर्माता, पालनहार और विध्वंसक हैं। यद्यपि आप अपनी ऊर्जा को पदार्थ में लगाते हैं, फिर भी आप हमेशा अपने मूल रूप में स्थित रहते हैं और उस स्थिति से कभी नहीं गिरते, क्योंकि आपका ज्ञान अचूक है और किसी भी स्थिति के लिए हमेशा उपयुक्त है। आप कभी भी मायावी भ्रम में नहीं फंसते। हे प्रभु, मुझे आपको अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम अर्पित करने दें। हे अनंत, यदि आप प्रसन्न हैं तो मनुष्य को ब्रह्मा के समान लंबी आयु, उच्च, मध्य या निम्न लोक में शरीर, असीम भौतिक ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ और इंद्रिय तुष्टि, पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा आठों योग सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। प्रतिद्वंद्वियों पर विजय पाना तो अत्यंत नगण्य उपलब्धि है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरतवंशी श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब सभी जीवों की आत्मा कमल नयन भगवान की अदिति ने इस प्रकार पूजा की तो भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान ने कहा, देवताओं की माँ, मैंने तुम्हारी वो मनोकामना पहले ही भली भांति समझ ली है जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण से जुड़ी है जिन्हें उनके शत्रुओं ने सारे वैभव और संपत्ति से वंचित करके उनके घरों से निर्वासित कर दिया है। हे देवी, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रुओं को पराजित करके अपना राज्य और ऐश्वर्य दोबारा हासिल करके और अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके उन सभी के साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम इच्छा करती हो कि यज्ञ में सत्राजित द्वारा श्री कृष्ण का अपमान करने के बाद उनके पुत्रों के शत्रु असुरों को जब युद्ध में इंद्र आदि देवता मार डालेंगे तब उनकी पत्नियां अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करती हुई दिखाई दें। तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे पुत्रों को खोया यश और वैभव प्राप्त हो और वे फिर से पहले की तरह अपने स्वर्गीय लोक में वास करें। हे देवताओं की जननी, मेरा मानना है कि असुरों के सभी मुखिया अब अजेय हैं, क्योंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित हैं जिन पर भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए उनके विरुद्ध अब बल प्रयोग करना सुख का स्रोत नहीं बन सकता। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ अतः अब मुझे तुम पर कृपा करने का एक न एक साधन अवश्य ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरी उपासना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती बल्कि उपासक की योग्यता के अनुसार इच्छित फल देती है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरे समक्ष प्रार्थना की है और यथोचित रूप से महान पयोव्रत का पालन करते हुए मेरी पूजा की है।
महर्षि कश्यप की तपस्या के कारण मैं तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। अपने पति कश्यप को सदैव अपने शरीर में स्थित समझकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या के कारण पवित्र हो चुके हैं। हे नारी, यदि कोई पूछे तो भी तुम्हें ये बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गोपनीय बात जब तक तुम अपने पास गुप्त रखती हो तभी वो सफल होती है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। स्वयं भगवान के ही मुंह से यह वरदान पाकर कि वे उसके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, अदिति अपने को बहुत सफल मानने लगी और अत्यंत भक्तिभाव से वह अपने पति के पास गई। ध्यानात्मक समाधि में स्थित होने के कारण अचूक दृष्टि वाले कश्यप मुनि देख सके कि भगवान का पूर्ण हिस्सा उसमें प्रवेश कर गया है। हे राजन, जैसे वायु दो काष्ठ के घर्षण से अग्नि प्रकट कर देती है, उसी तरह परमेश्वर में तल्लीन कश्यप मुनि ने अपनी शक्ति को अदिति के गर्भ में स्थानांतरित किया। जब ब्रह्मा को ये ज्ञान हुआ कि अब भगवान अदिति के गर्भ में हैं, तब वो परमेश्वर के दिव्य नामों का जप करके उनको प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आपको जय हो। आप सबके द्वारा महिमान्वित हैं और आपके कार्य सब अद्भुत होते हैं। हे योगियों के स्वामी, हे प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रक, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप सभी जीवों के दिलों के भीतर स्थित हैं। तीनों लोक आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोकों से परे हैं। आप पहले प्रश्नी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। मैं उस परम सृष्टा को नमन करता हूँ जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के आरंभ, विकास और विनाश हैं और वेदों में आपको असीम शक्तियों के भंडार, सर्वोच्च पुरुष के रूप में जाना जाता है। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरें गहरे जल में गिरने वाली टहनियों और पत्तियों को अपनी ओर खींच लेती हैं, उसी प्रकार परम शाश्वत काल के रूप में आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं। प्रभु, आप समस्त चल या अचल जीवों के मूल उत्पन्नकर्ता हैं और आप प्रजापतियों के भी उत्पन्नकर्ता हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उसी प्रकार आप इस समय अपने स्वर्ग पद से वंचित देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं।